हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अमिता एंड संजीव स्टायरी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्रेकफास्ट डिश जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है, साबूदाना खिचड़ी। तो मैं आज ये डिश इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब भी वो घर पे बनाते हैं तो उनका साबूदाना खिचड़ी बहुत ही स्टिकी बन जाता है या सॉफ्ट नहीं रहता है। तो कुछ सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही इजी है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिसके वजह से अगर आप उनको परफेक्टली करोगे तो आपकी खिचड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी और कोई उसमें लम्प्स नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट होगी। तो उसके लिए मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मेकिंग साबूदाना खिचड़ी वी विल सोक द साबूदाना फॉर ओवरनाइट। So here I am taking 250 gram, you see 250 grams of sabudana, and I'll this is sufficient for 4 people. So I am taking it and I will fill water in it. So here I am adding water slowly, and I have to add water in such a way that it is just 1 inch or it's just touching the surface of the sabudana. You see, it's just level or just little bit more, that's it. It with the lid and we'll keep it for overnight and let's see in the morning. ओके, तो ये आप देख सकते हो कि जैसे मैंने साबूदाना कल रात में सोक किया, तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि स्टिकी नहीं होना चाहिए, चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसको गिराते हो तो सारे दाने अलग अलग गिरने चाहिए। तो ये फर्स्ट सिंबल है कि आपका जो साबूदाना है स्टिकी नहीं होगा, ठीक है, वो अलग अलग हैं सारे दाने, ठीक है। और उसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। आप जितना क्वांटिटी का साबूदाना बना रहे हो उसके हिसाब से आप वेजिटेबल्स एडजस्ट कर सकते हो। करी लीव्स ली है, चिली, अगेन चिली हम अब एज पर डीज, अगर आप घर में ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और ये 1 teaspoon जीरा मैंने लिया है। टमाटर डालने से एक अच्छा कलर भी आता है और अच्छा टेस्ट आएगा, तो हम ये एक टमाटर डालेंगे। मैंने पीनट्स जो लिए वो 2 type का पीनट्स लिया है, एक रॉ और थोड़ा सा मैंने रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके और उसका ऊपर का छिलका निकाल के लिया है, तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी। कोरिएंडर लीव्स ली है जिसको मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। सॉल्ट एंड शुगर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे एट द लास्ट फॉर द टेस्ट, और अगेन सॉल्ट फॉर द टेस्ट। सो दिस इज ऑल द कंप्लीट इन्ग्रीडियंट्स। अब हमें इनको चॉप करना है और मुझे ये ड्राई रोस्ट करना है, तो चलिए पहले मैं अपने वेजिटेबल्स को चॉप करती हूँ और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्राउंडनट का कैसा हम पाउडर बनाएंगे। ऐसे काटने से थोड़ा सा जल्दी कट हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता हमें। तो सी, मैंने फटाफट से इसको बारीक चॉप्ड कर लिया है। ये हमारा एक आलू परफेक्टली चॉप हो गया है। टमाटर को भी मैंने बहुत ही फाइनली चॉप्ड कर लिया है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं करने, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो दिखेंगे बहुत ज़्यादा, मैशी नहीं हो पाएंगे। तो साबूदाना में कलर आने के लिए उसको बहुत फाइनली चॉप्ड करना है हमें। सो ये हमारा टमाटर भी फाइनली चॉप हो चुका है। तो ये ग्रीन चिली को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर से रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, बट जो ऑथेंटिक ग्रीन चिली का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। जो ड्राई रोस्ट पीनट थे तो वो मैंने लिए, तो अब मैं उनको रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसकी कैसा हुआ है ये पाउडर। ये हो गया है ऑलमोस्ट, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसा हुआ है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं है बट अच्छा कंसिस्टेंसी है। ऐसा कंसिस्टेंसी आपको रखना है, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा वो मूंगफली के टुकड़े दिखेंगे तो दैट्स फाइन, बट आपको इतना ऐसे पाउडर बना के ले लेना है।
तो अब हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं हमारा, ये पैन हम चढ़ा देते हैं इस पे। तो इस पे मैं करीब 2 टेबल स्पून का तेल ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छे से हीट होने देते हैं। तो अब हमारा जैसे कि ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसको हैंड से टच, पाम से थोड़ा ऐसे लगा के टच कर लेंगे कि ऑयल परफेक्ट गर्म हो गया है कि नहीं। बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं रखना है, नहीं तो मूंगफली जो हमारी है वो जल जाएंगी। तो ये हमने जो रॉ पीनट्स लिए थे इनको हमें डीप फ्राई कर लेना है, तो ये हम गार्निशिंग के टाइम पर यूज़ करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ ऑयल में। तो मुझे 2 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस अब हमें और ज़्यादा नहीं करना है, अब इसको हमें ये निकाल लेना है। ठीक है, इसको हमें निकाल लेना है, एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं इसको। तो हम इसमें ये जीरा और ये करी लीव्स और ये ग्रीन चिली डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा सॉटे होने देते हैं। और इसके बाद हम इसमें आलू डाल देते हैं जो हमने चॉप किए थे। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे अभी। इसमें मैं हल्का सा सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो हमने ये थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आलू बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हो जाएंगे। हल्का नमक रखना है। तो अब मैं थोड़ी देर इसको कवर करके रख देती हूँ सिमर होने के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। सो 5 मिनट्स हो गए हैं मुझे। तो एक बार हम आलू को चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू अच्छे से हो गए हैं फ्राई या नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इन पर अच्छा एक गोल्डन कलर भी आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी पे हम अपने टमाटर डालेंगे जो हमने फाइनली चॉप टमाटर किए थे, तो वो हम इनको डाल देंगे। थोड़ी देर तक, मतलब 2 से 3 मिनट हम टमाटर को भी पकने के लिए ढकेंगे। तो थोड़ी देर हम डाल देते हैं इसको सिमर करने के लिए। ओके, तो हमें लगभग 2 मिनट हो चुके हैं टमाटर डाले हुए भी। तो देख लेते हैं हम कि टमाटर हमारे मैश ही हुए कि नहीं। तो हम इनको थोड़ा सा ना प्रेस करके देखेंगे कि हाँ ये ये देखिए आप अच्छे से मैश हो रहे हैं हमारे टमाटर। तो इस फेज पे अब हमें साबूदाना ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा ट्रिक है कि जब भी हम साबूदाना बनाते हैं तो क्या होता है कि हम गैस जनरली ऑन रखते हैं, और जब हम साबूदाना डालते हैं तो सिंस उसमें स्टार्च होता है ना, और हॉट कढ़ाई की वजह से वो उसमें चिपक जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम कढ़ाई में साबूदाना डाल रहे हैं हम गैस फ्लेम ऑफ रखें या बहुत ही सिम में रखें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं गैस को कम्प्लीटली ऑफ कर दूँगी, फिर मैं जो साबूदाना कढ़ाई में डालूँगी उसको आलू टमाटर और ऑयल के साथ मैरिनेट करूँगी, फिर हम गैस बाद में ऑन करेंगे। तो ये मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट हम रुक सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप तुरंत गैस ऑफ करते हैं वो कम्प्लीटली कढ़ाई ठंडी नहीं होगी, बट स्टिल आप 1 मिनट रुक के फिर आप साबूदाना डाल सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ मेरा साबूदाना, देखिए कम्प्लीटली आप कितना भी देखें नीचे तक भी ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो हम मैं स्लोली इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देती हूँ।
तो ये मैंने सारा साबुदाना ट्रांसफ़र कर दिया है, गैस का फ्लेम कम्प्लीटली ऑफ है। अब हम इसको धीरे से ऊपर से नीचे चला चला के इसको सारा ऑयल और साबुदाने ये सब मिक्सअप अच्छे से हो जाना चाहिए। तो एक दो मिनट हमें ऐसे ऊपर नीचे करके मिलाना है इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी स्टिकी नहीं हो रहा है बिल्कुल साबुदाना, और मैंने अच्छे से ऑयल और टमाटर के साथ साबुदाने को मिक्स भी कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पीनट पाउडर जो हमने बनाया है। तो ये मैं पीनट पाउडर डाल रही हूँ जो हमने ग्राइंड किया था। मैं डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मैं किसी बॉल में नहीं ट्रांसफ़र कर रही, क्योंकि पीनट में एक ऑयल होता है थोड़ा, तो आप इधर से उधर ट्रांसफ़र ज़्यादा करेंगे तो वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर कि हम इसको डायरेक्टली मिक्सर जार से ही आप डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र कर दें कढ़ाई में। तो मैंने सारा मिक्सचर खाली कर दिया है, अब हम इसको थोड़ा मिला देंगे। अब इस स्टेज पे मुझे गैस ऑन करनी है, और ये मूंगफली का जो पाउडर है उसको ऐड करने का एक और पर्पस है कि मूंगफली में एक खुद का ऑयल भी होता है, तो ऑयल की वजह से साबुदाना स्टिक नहीं होता है और एक अच्छा फ्लेवर भी देता है। जो लोग मूंगफली दांत के वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मूंगफली खाना पसंद नहीं करते, तो हम उनको फ्लेवर भी दे सकते हैं और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी दांत में। तो ये मूंगफली का पाउडर बहुत बेस्ट है। तो साबुदाने में ट्रिक ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको गैस ऑन करके नहीं पकाना है, स्टीम पे पकाना है। यहाँ तो मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई लिया है तो वो नहीं उतना स्टिक करेगा, बट कभी कभी आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बना रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं, किसी भी टाइप की कढ़ाई में बना रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम पे पकाना है। तो जब हमने कुछ डाला, जैसे मैंने अभी मूंगफली पाउडर डाला, आलू डाला, टमाटर डाला, साबुदाना डाला, तो उन सबको मैरिनेट करने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर हम उसको कवर करके स्टीम होने देंगे। तो यही प्रोसेस हमें दो तीन बार करना है। तो जैसे अभी मैंने मूंगफली पाउडर मिला दिया, दो मिनट के लिए मैं तेज आंच पे इसको चलाऊंगी। तो तेज आंच पे चलाने के बाद मैं फिर उसको पाँच मिनट के लिए गैस ऑफ करके और इसको लिड लगा दूंगी, तो वो स्टीम पे बहुत अच्छा पकता है। तो पाँच मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि मेरा साबुदाना कैसा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ दाने इसमें ट्रांसलूसेंट दिख रहे हैं आपको और कुछ एकदम वाइट दिख रहे हैं, राइट? तो ये शो करता है कि जो दाने वाइट हैं दैट मीन्स उनको और स्टीमिंग की ज़रूरत है, और जो एकदम ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं मतलब उनमें वो पक चुके हैं, उनको अब और नहीं चाहिए। तो इस स्टेज में मतलब हमें एक दो बार और स्टीमिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको 2-3 मिनट चला दिया है, तो अभी मैं फिर 5 मिनट के लिए इसको फिर से बंद कर देती हूँ गैस को और इसको स्टीम पे लगा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने 5 मिनट पहले इसको फिर से गैस बंद करके और इसको कवर करके रखा था स्टीम होने के लिए, तो हम फिर से देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आया। और गैस को मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। तो आप जैसे देख सक रहे होंगे कि बहुत सारे दाने ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं हमारे। तो इस स्टेज पे आप चाहो तो एक दो बार और 5 मिनट स्टीमिंग करके गैस बंद करके फिर से आप स्टीम कीजिए, डिपेंड्स अपॉन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये हो चुका है कि मैक्सिमम दाने इसके ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे मुझे सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि मैंने साबुदाने के हिसाब से सॉल्ट नहीं डाला था, सिर्फ आलू के हिसाब से डाला था। तो ये मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा मैं शुगर ऐड करूँगी यहाँ पे फ्लेवर के लिए। इसको हम मिला लेते हैं, गैस का फ्लेम हम स्लो रख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब मैं इसमें जो मैंने पीनट्स फ्राई किए थे मैं वो डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, ये मैं इस पर स्प्रिंकल कर देती हूँ, इसको अच्छे से मिला देती हूँ।
तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो मैं अब आपको डिश आउट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। तो मेरा साबूदाना परफेक्टली रेडी हो चुका है, अब हम उसको डिश आउट करते हैं। तो मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया। साबूदाना के साथ लेमन तो चाहिए ही चाहिए, ये थोड़ा सा मैं धनिया स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको खा के बताती हूँ। इट्स माइंड ब्लोइंग, एज पर एक्सपेक्टेशन यू कैन सी इट्स वेरी नो वेर, यू कैन सी द लम्स एंड इट्स वेरी टेस्टी। सो यू गाइज ऑल्सो ट्राई द सेम, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड मेक दिस डिश इन योर होम, यू विल लाइक इट फॉर श्योर। एंड फॉर एनी डाउट्स यू कैन जस्ट पिंग मी इन माई चैनल, सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.